अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए हैं जो तमाम आलमीन का रब है। नाज़रीन हज़रात, मैं हूँ नसीम अख्तर मुरादाबादी, आपकी ख़िदमत में इस मौजू के साथ। साहिल का सवाल ये था कि हम इमाम साहब के पीछे नमाज पढ़ रहे थे, अभी हमारी सना मुकम्मल नहीं हुई थी कि इमाम साहब ने किरात शुरू कर दी। जैसे कि इशा की नमाज है या मगरिब की नमाज है या फजर की नमाज है, तो आप जो है इमाम साहब के साथ में नमाज पढ़ रहे थे, आपने इमाम साहब के साथ ही नियत की, अभी आपकी सना पूरी नहीं हुई कि इमाम साहब ने किरात शुरू कर दी, तो अब ऐसे आलम में हमको क्या करना है? अपनी सना को पूरा करना है या हमें वहीं छोड़ देना है? दरूद पाक पढ़ें सल्लल्लाहु अला नबी उम्मी वालिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातम व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। नाज़रीन इकराम, आप इमाम साहब के पीछे नमाज पढ़ रहे थे, वो नमाज के जिसमें किरात ज़ोर से की जाती है, तो या तो आपने इमाम साहब के साथ में नियत बांधी या आप थोड़ी देर के बाद आए कि अभी इमाम साहब ने किरात शुरू नहीं की थी और नियत इमाम साहब कर चुके थे। अब आपने अपनी सना शुरू की, अभी आपकी सना मुकम्मल नहीं हो पाई थी कि इमाम साहब ने किरात शुरू कर दी, तो अब आपके लिए हुक्म ये है कि आप अपनी सना को वहीं पर छोड़ दें, आप उसको मुकम्मल ना करें और खामोशी के साथ किरात आप सुने। बात आप समझ गए कि आपकी सना मुकम्मल नहीं हुई थी, इमाम साहब ने किरात शुरू कर दी, तब आपको सना नहीं पढ़ना है। आपकी सना जहां तक हुई, अगर उसका एक लफ्ज भी रह गया है, तो वहीं पर ही छोड़ दें और आप खामोशी के साथ में किरात सुने। आपको सना को मुकम्मल करने की ज़रूरत नहीं है। इंशाअल्लाह ताला फिर मुलाकात होगी किसी अगले मसले के साथ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।